नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, यह सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो इसे एज अ डिज़ाइन बना सकते हैं या बॉर्डर की जगह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो फंदे डालने के बाद इसमें और संख्या में कितने भी आप फंदे डाल सकते हैं। तो फंदे डालने के बाद ये पहला लाइन है। आप चाहे तो इसे एज अ डिज़ाइन बनाएं, चाहे तो बॉर्डर की जगह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, पहली लाइन में थोड़ा सा बनाने में परेशानी होगी, ढीला करना पड़ेगा। तो दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पहले दूसरे फंदे को हम बाएं सिलाई में ले लेंगे और ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, और फिर इस फंदे के चारों तरफ हम उनको घुमा लेंगे। अगला दो फंदा उल्टा, एक दो फंदा उल्टा। दो फंदा उल्टा बनने के बाद दूसरा फंदा हम बाएं सिलाई में लेंगे और उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। अब फिर इसे दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको अपनी तरफ, यानी इस फंदे के चारों तरफ हमारा ऊन जो है वो घूम गया है। देखिए, ऊन इस फंदे के चारों तरफ है। फिर अगले दो फंदे उल्टा बुनेंगे, अब दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फिर फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और ऊन को अपनी तरफ करेंगे। यानी इस फंदे के, देखिए, चारों तरफ ऊन घूम गया है। देखिए, इस फंदे के चारों तरफ ऊन घूम गया है। फिर से देखिए, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक और दो। अब दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और ऊन को अपनी तरफ। इस फंदे के चारों तरफ देखिए ऊन को हमने घुमा लिया है। अगले दो फंदे उल्टे, एक दो। दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उनको वापस अपनी तरफ करेंगे। देखिए, इस फंदे के, दूसरे फंदे के चारों तरफ ऊन लपेट लिया गया है। अब अगले दो फंदे उल्टे, दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। इस तरह हम दो दो फंदे लेंगे, दोनों को उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे के चारों तरफ हम उनको घुमा लेंगे। दो दो फंदे को लेंगे और दूसरे फंदे के चारों तरफ हमें उनको घुमा लेना है। दो फंदों को उल्टा बुनना है और दूसरे फंदे के चारों तरफ हमें उनको घुमा लेना है। तो ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। क्योंकि ये 8 संख्या में फंदे हैं, इसलिए लास्ट फंदा जो है वो 1 बचेगा और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हाँ, ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। अब हम
दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो, और दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को दाहिने सिलाई में लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे। यानी इस फंदे के चारों तरफ हमने उनको लपेट लिया, फिर अगले दो फंदे सीधे दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, फंदे को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको दूसरी तरफ। देखिए हमने इस फंदे के चारों तरफ उनको लपेट लिया है। तो अगला दो फंदा हम फिर सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे के चारों तरफ उनको लपेट लेंगे। अगला दो फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में कर लेंगे, उनको वापस अपनी तरफ, फिर फंदे को दाहिने सिलाई में, उनको दूसरी तरफ। अगला दो फंदा सीधा, दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में, उनको अपनी तरफ, दूसरे फंदे को दाहिने सिलाई में, उनको दूसरी तरफ। तो इसी तरह करते हुए दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे और दूसरे फंदे के चारों तरफ हम उनको ऐसे घेर देंगे। अगला दो फंदा लेंगे, दूसरे फंदे को के चारों तरफ हमें उनको ऐसे राउंड में कर देना है। तो इसी तरह करते हुए सारे फंदे हम बुन लेंगे। और लास्ट में एक फंदा आएगा, चूँकि ये आठ संख्या में फंदे हैं तो लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। थर्ड रो फिर से देखिए, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में करेंगे, उनको पीछे करेंगे और इस फंदे के चारों तरफ हम उनको घेर लेंगे। अगला दो फंदा उल्टा, उनको बाएं सिलाई, फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे, फंदे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और उनको अपनी तरफ करेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। तो पूरी सिलाई में हमें यही करना है, दो दो फंदे को लेना है, उन्हें उल्टा बुनना है और दूसरे फंदे के चारों तरफ हमें उनको ऐसे घेर देना है। दो फंदे को उल्टा बुनना है और दूसरे फंदे के चारों तरफ हमें उनको ऐसे राउंड में कर देना है। और लास्ट फंदे को उल्टा बना लेंगे। और फोर्थ रो में हम अपने दूसरे लाइन को रिपीट करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और इसके चारों तरफ उनको लपेटना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि उन इसके हम पहले ऐसे फंदे के पहले ऐसे उन लाएंगे और तब बाहर निकालेंगे। देखिए दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और बाएं सिलाई में इसको फंदे को कर लेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे और इसके चारों तरफ देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराते रहने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा।
सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने स्वेटर में बनाइए। इसे या तो बॉर्डर की जगह पे इस्तेमाल कीजिए या पूरे स्वेटर में आप बना सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।